इसमें लीकेज का पूरे देश भर में अभाव है। लोग कह रहे हैं ये जो पटेल है इसका क्या नाम है, उर्जित, अजीब अजीब नाम है, पुराने अच्छे नाम थे उनको बना रहे हैं उर्जित। ये उर्जित का दस्तखत जो है वो पहली बार इस पे है, ये तो 2 महीने पहले आया है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 6 महीने पहले चुपचाप ये काम कर लिया है। हम 6 महीने से लगे थे, अकेले लगे थे, आपको साथ लेके लगे थे, या ये नया गवर्नर है या रघुराम राजन है, किसके किसके साथ लगे थे? रघुराम के दस्तखत नहीं है, मगर पटेल तो 2 महीने पहले आया है ना। आप पटेल हैं तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये 2 महीने पहले आया है, इनका पटेल जाग गया। देखो यानी ये देख रहे हैं पटेल का नाम लिखा हुआ है नोट पर। शिकायत क्यों है प्रफुल्ल जी? ये ना शिकायत नहीं, इनकी खुशी पे मैं मजा ले रहा हूँ, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ कि ये पहले पटेल, ये भी पटेल बैठा है। नहीं नहीं, पहले आप पटेल नहीं थे, अब बने हैं पटेल, कुछ दिन से बन गए। हम लोग आजू बाजू के रहने वाले, हम जानते हैं ना। तो ये जो लीक है, हो सकता है ये लीक नहीं हुआ हो, मैं मानता हूं कि लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन ये लीक हुआ क्योंकि उसमें आप नहीं थे, उस खुसर पुसर में आप नहीं थे, ये पक्की ऐसी लगता मुझको अनुमान से। तो ये जो लीक हुआ है, नोट छप गया है, ये नोट सोशल मीडिया पे, हाँ ये कह रहे हैं कि नोट पहले छप गया, पहले बल्ले दिखा दिया किसी ने, दिया इनके अध्यक्ष ने, इनके अध्यक्ष ने पंजाब, अब उसको निकालो या उसका खंडन करो, ये गजब बात है भाई, इसको निकालो। तो वो क्यों नहीं बताया आपको है? वो क्यों नहीं बताया? ये तो नहीं बताया अरुण जेटली जी, वो तो बता देता, वो तो दुनिया को बता दिया। वो तो ईमानदार आदमी है, वो आपको बता दिया, आनंद शर्मा को बता दिया, और आपको तो आपने कल ही मुझे बताया था गुलाम नबी जी ने। बात ये है कि लीकेज का क्या इलाज करोगे? बहन माता मायावती जी जो कह चुकी जेपीसी, मैं कहता हूं कि जांच हो जाए, और यदि जेपीसी है ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है राजनीतिक, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेपीसी बनाइए, लेकिन जांच में हम जैसे किसी आदमी को रखिए, क्योंकि हम बहुत फकीर आदमी हैं और ईमान के साथ हिंदुस्तान की राजनीति करते, हम अपना खेत बेच देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो हमको उसमें कहीं जरूर रखिए, ईमान के साथ समझ लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी तो ईमानदारी से हम काम करेंगे, और यदि गड़बड़ हुई तो कोई आदमी बच के नहीं निकलेगा, हमको उसमें जरूर रखिए। हवाला में सबको फंसा दिया, हाँ ना, हवाला जान लिए, सारी दुनिया कह दिया हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, हमने कहा कि हमने लिया, रिजर्व कर ले 5 लाख, ये तो रिजाइन, चमन भाई पटेल के रिजाइन कर गए, और रिजाइन भी कर दिया हमने, कि हम जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक सदन में नहीं आएंगे। नहीं, हम मंत्री बनाने वाले थे, हाँ मंत्री देवगौड़ा के टाइम पे, खड़े बोलो खड़े। अरे सर ये बात मैं सबूत देता हूँ, हम लोग सब स्टीयरिंग कमेटी यूनाइटेड फ्रंट के इनको मंत्री बनाने वाले, और इन्होंने कह दिया कि भाई हवाला में मैं कबूल कर लिया, तो हमने कहा कि कबूल कर लिए तो मंत्री नहीं बन सकते हो, तो इनको मंत्री बनने का मौका भी ये खो बैठे, सबूत में सुलह कैसे हो गया? वो खो बैठे उस समय, सबूत में सुलह कैसे हो गया? बताइए बताइए, हमारे ईमान का तो बिल्कुल एकदम 100% ही टेस्टेड है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको अरुण जी रखिए, कहीं ना कहीं ये लीकेज में आपकी बहस तो मैंने, हाँ आप वकील थे मेरे और इन्हीं की दया से हम यहाँ खड़े, नहीं तो जेल ही चले जाते। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो हम सब चीज जानते हैं, इसलिए जानते हैं भाई, हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि हम सबके साथ रहे,
एनडीए में भी रहे और यूनाइटेड फ्रंट में भी है सीताराम येचुरी के साथ, इसलिए हम दो बार आपके कहने से भारत बंद करा दिए थे, हमारी यादी दोस्ती यारी के चलते। आपने खुद ही भारत बंद करा दिया, वो भारत बंद करके पूरा भारत लाइन में खड़ा कर दिया। शरद जी कितना समय लेंगे? अभी लेंगे। भाई जो समय मेरा कहने का काम, आपको खुद मजा आ रहा, लेकिन इन्हें खुद मजा आ रहा वो जानते, बहुत दिक्कत में है ये जिन जगह से आए हुए आगे लोग बहुत दिक्कत में है कि नहीं है। आज शादी में जाना है, शादी में और 1.5 करोड़ शादी है अरुण जी, 1.5 करोड़ बेटी की शादी है। अरे बैठिए, शादी में अभी निकलना है मुझे, आज आप निकल लीजिए। बहुत बढ़िया बोल चुके आप, बहुत बढ़िया, अब कंक्लूड करो जल्दी। हाँ ठीक है, तो 1.5 करोड़ शादियां हैं, 1.5 करोड़। तो कौन लोग मारना चाहते हैं संसद को बताओ, देश को बताओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो प्रधानमंत्री को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर ऐसी कोई साजिश है, पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है अगर प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है।